नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार नागपुर से बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल लर्निंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है एंड तक देखें, ताकि मेरे द्वारा जो किए हुए सारे प्रैक्टिकल वीडियो हैं आपको उसकी पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं भी प्रैक्टिकली लर्न कर रहा हूँ इसे, तो रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों जैसा कि मेरे लास्ट अपडेट में मैंने बताया था कि मैंने अपने टैंक का TDS जो है और PH जो है वो मेंटेन कर लिया था बायोफ्लॉक के लिए। तो अब दोस्तों मैं उसका एक नेक्स्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने जो प्लेन सिंपल वाटर था उसको एरिएशन दिया था, उसको मैंने Part 1 का नाम दिया था, वाटर प्रिपरेशन Part 1। उसके बाद जब मैंने उसमें नमक मिलाया था TDS मेंटेन करने के लिए, उसे मैंने दिया था Part 2। और उसके बाद जो मैंने चूना मिलाया था और उस चूने को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता था, उसे मैंने क्लियर किया, तो उसको मैंने दोस्तों नाम दिया था Part 3, जो मेरे वीडियोज़ में आप देख सकते हो। अब जो दोस्तों मैं वाटर प्रिपरेशन का प्रक्रिया 4 करने जा रहा हूँ, तो अब दोस्तों मुझे जो है अब प्रोबायोटिक मिलाना है, और प्रोबायोटिक के लिए उसमें जो कार्बन का जो सोर्स होता है, जो मोलासेस, तो दोस्तों मोलासेस तो मुझे नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये मैंने, अब मैं जो हूँ फ़िलहाल गुड़ का यूज़ करने वाला हूँ, तो ये अब मेरे कार्बन सोर्स का काम करेगा, जो भी बैक्टीरिया जो क्रिएट होंगे उसको इंक्रीज़ करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों मैं जो प्रोबायोटिक यूज़ करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यह है ब्लू वाइट कंपनी का एवर प्रेस प्रो प्रोबायोटिक। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और ये जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। दोस्तों मैंने भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, देख सकते हैं आप, ऑनलाइन मैंने 2 डब्बे ऑर्डर किया है, क्योंकि मैंने जो टैंक पे पानी है वो 15 से 17 हज़ार लीटर भर चुका हूँ, तो मुझे तो 2 डब्बे लगने वाले हैं, क्योंकि ये जो होता है ये हाफ के जी का है, और ये 10 हज़ार लीटर में दोस्तों एक पूरा यूज़ होता है, तो मुझे करीब करीब 1.5-2 लगने वाला है इसका, इसलिए मैंने 2 ही ऑर्डर कर दिए थे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फ्लॉक बनाता है, और इसमें जो है बैक्टीरिया वो हीटरोट्रॉपिक ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, तो जो फ्लॉक बनाने में काफ़ी और अमोनिया कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है एवर फ्रेश प्रो क्रिएट एंड मेंटेन हाई क्वालिटी फ्लॉक कंपोजिशंस एंड वाटर क्वालिटी टू क्रिएट इन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लोअर FCR। तो दोस्तों इसमें जो FCR भी जो होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ मेरा वाटर प्रिपरेशन का प्रोसेस, और इसको अभी मैं मिला दूँगा गिन करके उसको भी। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं ये मेरी बकेट है, ये बकेट में मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं गिन करके इसमें प्रोबायोटिक और जो अपना मोलासेस की जगह गुड़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, गुड़ को मैं इसमें घोल करके रख दूँगा, और आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा भी इसे कैसे पुटअप करना है अपने टैंक में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा स्केल है, इसमें मैं पहले एक प्रोबायोटिक को गिन लेता हूँ। तो ये दोस्तों ये जो है हाफ के जी के ऊपर आ रहा है, 557 ग्राम आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये जो कंटेनर का भी वेट है और इसमें जो पॉलीथीन है इसका भी वेट हो रहा है दोस्तों। तो एक प्रोबायोटिक मैं ऐड कर देता हूँ पानी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर एक कंटेनर रख देता हूँ, इसको मैं टेयर कर देता हूँ। अब जो है मुझे थोड़ा सा खुला गिनना है प्रोबायोटिक को, इसको मैं 300 ग्राम जो है गिन लेता हूँ।
कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने प्रोबायोटिक जो है अपनी बकेट में ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने जो है इसे मिला लिया है दोस्तों। अब जो है मैं इसमें गुड़ जो है ऐड करने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो गुड़ है ये हमें 0.1 ग्राम जो है पर लीटर मिलाना होता है। तो जो कि मेरा जो टैंक है वो 17,000 लीटर का है, तो इसमें जो है मैं 1 किलो 700 ग्राम जो गुड़ है वो ऐड करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कितना है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है 1 kg 10 ग्राम और इसमें ये भी ऐड कर देते हैं, तो हो गया है ये करीब करीब एक किलो सात सौ के ऊपर ही हो गया है। तो ये पूरा जो गुड़ है हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो गुड़ भी है मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। गुड़ भी जो है दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया। स्टॉप कर दो फिर से। हाँ तो ऐड कर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मेरा प्रोबायोटिक और जो मेरे कार्बन का सोर्स है जो गुड़ मैंने डाला है वो मेरे पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है। और नज़दीक से दिखाओ, इसे नज़दीक से दिखाओ। अभी पानी भी जो है वो गाढ़ा हो गया गुड़ की वजह से, प्रोबायोटिक का भी कलर हो गया है, थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी की तरह बन गया है। लेकिन इसे पीना नहीं है, इसे जो है टैंक में डालना है। तो अभी जो है दोस्तों मैं इसको रख देता हूँ ताकि 2-3 घंटे में अच्छी तरीके से मिल जाए और जो बैक्टीरिया है वो इसमें क्रिएट हो जाए। दोस्तों इसे वैसे भी तुरंत नहीं डालना होता है, इसे 2-3 घंटे हम लोग रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और उसके बाद दोस्तों मैं इसे अपने टैंक में जो है ऐड कर दूंगा। स्टॉप।
वो पूरी तरीके से बन के रेडी है। अब जो है मैं इसको अपने टैन पे डाल रहा हूँ, इसको मैं फैला देता हूँ अच्छी तरीके से। अब दोस्तों ये 4 से 5 दिन में जो मेरा व्लॉग है वो बन के रेडी हो जाएगा, इसका अपडेट देता हूँ मैं। देखते हैं अब ये प्रोबायोटिक कैसे वर्क करता है। देखिए इसका कलर भी कैसे चेंज हो चुका है। नीचे बैठा हुआ है वो थोड़ा सा। हो गया, तो दोस्तों मैंने जो है अपने टैंक पे प्रोबायोटिक जो है वो ऐड कर दिया है। अब देखते हैं कुछ दिन बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। और टैंक का पानी भी देख सकते हैं आप कैसे उसका कलर जो है चेंज हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आई होगी वाटर प्रिपरेशन की। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से कर सकते हैं वाटर प्रिपरेशन। जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप्स को आप भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें, बेल आइकॉन भी दबाएँ दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली सारी प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर से एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।